जाओ सबको बुला के लाओ हॉल में। जाओ सबको हॉल में बुला के लाओ। पुष्पा ने आपको रुक दिया? फोन तो अपने को कुछ गिला, जो आएगा वो लेके जाता है। किसका? अपना कोई, अपना तो बहुत बेनिफिट है सर। उनको भी छुट्टी चाहिए ना, एक दो तीन महीने लगातार काम ही कर रहे हैं। छुट्टी था ना यार, 7 महीने से लगातार कर रहे हैं। कौन? वो तो आता नहीं है सर, नहीं तो हम दोनों जन, मैं तो बोलता हूँ चल मेरे साथ, हम दोनों के लिए परवड़ जाएगा सर। हम दोनों भी अगर एक ही कैमरा भी रहे, क्या होता है कहीं कहीं शॉट लगाने लग नहीं रहते, लेकिन वो खड़े रहते थे सर, ऐसे लगा ले। वो हम लोग को क्यों जरूरत, जब नहीं जरूरत है तो क्यों लगा ले? ऐसा नहीं है ना कुछ कि हमारा ज्यादा फायदा है, आपने कोई फायदा नहीं ना, मतलब ये नहीं जबरदस्ती है पेज डबल कैमरा। रोली 40 पचास पचास छोड़ दो। कौन है? रोली ऊपर ले थर्मोकोल, हट जा बिना यहां। बस रोली एक्शन। सब कुछ करने के बाद भी खैर ठीक हो गया, हमें लगता है कि ये संतोषी मां बहुत ही चमत्कारी है। क्या तुम भी संतोषी मां की भक्त बन गई? हम आपके अलावा किसी को हमारा कल्याण तो आप ही करेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम आपके अलावा अपना भगवान किसी को नहीं मान सकते। हमारा कल्याण तो आप ही, हम किसी और को, आपके अलावा हम किसी और को। रोलिंग एक्शन। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम आपके अलावा किसी और को अपना भगवान कभी नहीं मान सकते। तुम्हारा कल्याण जरूर होगा, पर पहले हमें उस संतोषी को देखना पड़ेगा। जैसा आप ठीक समझे वो करें, पर वहां जो भी करें थोड़ा जल्दी करें। नमा भी जाए तुम्हार नमा भी एक्शन। इस समय जितना खुश होना है बोलो। साइलेंस। इस समय जितना खुश होना है बोलो, क्योंकि कुछ ही समय बाद ना ही एक घर आपका होगा और ना ही संतोषी इस घर की मालकिन बनेगी। देख लो, इस समय जितना खुश होना है बोलो, क्योंकि कुछ ही समय बाद ना ही ये घर आपका होगा और ना ही संतोषी इस घर की मालकिन बनेगी। देख रही सीन में क्या रहा है? ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। जैसे कि आपने संतोषी माँ में देखा होगा कि मैं डोमिनेट करती हूँ घर को और सब जो भी इस घर में होता है, मेरे हस्बैंड तक मुझसे पूछ के काम करते हैं और सारा पैसा और सब प्रॉपर्टी सब मैं ही देखती हूँ। और एक नौकरानी को जो कि इस घर की अब बहू बन चुकी है, उसको मेरी सास मेरी चाबियाँ जो कि घर पूरे घर की जो चाबियां हैं लॉकर की चाबियां हैं ये वो उसको हैंड ओवर करती हैं और कहती हैं कि आज के बाद तुम इस घर को देखोगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग है और मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत मुझे गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, जो कि घर पे मेरा ही राज चला है आज तक, तो मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, फिर मैं उसके तरीके ढूंढती हूँ कि किस तरह से ये घर मैं अपने नाम करवा लूँ या अपने हस्बैंड के नाम करवा लूँ। तो ये सब उसी तरह का एक ड्रामा है। आगे चल के संतोषी से बदला लेना है, एक मैं तो संतोषी से लगातार बदला लेती रहती हूँ। वो मैं सक्सेसफुल नहीं होती संतोषी माँ की वजह से, लेकिन मैं बार बार ट्राई करती हूँ कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे या कुछ। और जब जैसे रिया आई थी तो फिर मुझे लगता था कि रिया इस घर को डोमिनेट ना करे क्योंकि धैर्य उसे बहुत पसंद करता है। तो मैं फिर संतोषी को आगे लाती थी कि संतोषी उसको वो संतोषी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो मैं हमेशा अपनी गेम्स प्ले करती रहती हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद जो है मधु का, मेरा नहीं, आई एम सो सॉरी, मधु का मेन मकसद ये है कि वो इस घर पर सिर्फ उसी का राज रहे और सारे लोग उसकी बात सुने और पैसा वैसा बिजनेस सिर्फ वही देखे। अच्छा,
नॉर्मली देखा जाता है जो सीरियल्स में नेगेटिव रोल्स करते हैं वो रियल लाइफ में अच्छे होते हैं, वो तो है ही डेफिनेटली इंसान, ये तो हमारा कैरेक्टर है, ये तो हम एक हमारा प्रोफेशन है जो हम करते हैं। लेकिन अगर रियली मुझे पूछा जाए तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ,